अब देखो यार, चाहे आपको गेमिंग करना हो या फिर वीडियो एडिटिंग का काम करना हो, ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो एंड उसके लिए आपको एक परफेक्ट ग्राफिक कार्ड चाहिए, देन इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10,000 से लेके 25,000 तक के बेस्ट ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो देखो यार, वैसे तो यहाँ पे 10,000 से लेके 25,000 के बीच में बहुत सारे ग्राफिक कार्ड आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ग्राफिक कार्ड अच्छे हैं। तो अगर आप लोग ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए कौन सा ग्राफिक कार्ड परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 10,000 से लेके 15,000 के बीच में आने वाले ग्राफिक कार्ड। आप देखो यार, 10,000 से 15,000 के बीच में कोई भी नया ग्राफिक कार्ड अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई भी नया ग्राफिक कार्ड आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग नया ग्राफिक कार्ड परचेज भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको बजट 10,000 से लेके 15,000 के बीच में है तो आप लोग नए ग्राफिक कार्ड की जगह ह्यूज मार्केट में जाओ, ह्यूज मार्केट को एक्सप्लोर करो, वहां से आप लोग ह्यूज ग्राफिक कार्ड परचेज कर सकते हो। क्योंकि ये जो 10,000 से लेके 15,000 का बजट होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे ह्यूज मार्केट में, लाइक GTX 1660 सुपर, RTX 3060 भी मिल जाता है एंड RX 6600। लेकिन देखो यार, बहुत सारे लोगों को नया ग्राफिक कार्ड परचेज करना होता है, उनको ह्यूज मार्केट समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग Amazon से खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आपको AMD का RX 560 मिल जाएगा, जो कि बहुत दिनों पहले लॉन्च हुआ था, काफी टाइम इसको लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आपको 4GB का VRAM मिल जाता है GDDR5। तो यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा गेमिंग तो नहीं कर सकते हो, इवन अभी के जो गेम्स आने वाले हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं, बट स्टिल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आपका बजट यहाँ पे पीसी बिल्ड कर रहे हो एंड आपका बजट यहाँ पे 30,000 से लेके 35,000 के बीच में है। ये ग्राफिक कार्ड उस प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए एंड सिंपल सा 1080p मीडियम टू लो सेटिंग में आप लोग गेमिंग कर पाओगे आराम से, आपको 40-50 FPS मिल जाएंगे। और हो सकता है देखो मॉडर्न गेम्स में आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना मिले क्योंकि ये काफी ज्यादा ओल्ड ग्राफिक कार्ड है। इसका जो अमेजन पर प्राइस है दैट इज 9,891 रुपीज। अगर आपका बजट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि 10,000 से आप ऊपर जाओ, फिर आप इसको देख सकते हो। बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करता कि 2023 में आपको इसे परचेज करना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है। सो गाइस, बात करें नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की, दैट इज GTX 1650। वैसे तो ये काफी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है बट क्योंकि काफी टाइम हो चुका है एंड अभी के टाइम पे जो गेम्स आते हैं वो बहुत ज्यादा VRAM डिमांड करते हैं एंड अभी के टाइम पे ये ग्राफिक कार्ड उतना भी कैपेबल नहीं है। अगर आप लोग 1080p लो टू मीडियम सेटिंग में गेमिंग करना चाहते हो फिर तो ये थोड़ा बहुत आपको गेमिंग करा भी देगा, लेकिन इससे ऊपर ये बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। मुझे पता है कि काफी सारे लोग GTA 5 जैसे ओल्ड गेम्स खेलते हैं तो उसमें ये काफी अच्छा सेटिंग में चल जाएगा। इवन आप लोग हाई सेटिंग में भी इसमें GTA 5 जैसे गेम्स खेल पाओगे। यहाँ पे आपको 4GB का VRAM मिल जाता है 128 बिट का एंड इसमें आप लोग 1080p मीडियम टू लो सेटिंग में काफी अच्छे से गेमिंग कर पाओगे। एंड इवन अगर आप लोग 1080p में एडिटिंग करना चाहते हो लाइक प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजोल्व, तो यहाँ पे भी आप लोग इजिली एडिटिंग कर पाओगे। इसका जो प्राइस रहने वाला दैट इज 12,500 रुपीज। अब देखो, ये ऑफलाइन मार्केट में सस्ते में मिल जाता है, ये आपको 11,000 रुपीज में भी मिल जाएगा एंड सभी ग्राफिक कार्ड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आपने वहां से उन्हें चेकआउट कर लेना है। अगर आप लोग मिड रेंज का पीसी बिल्ड करना चाहते हो, आपका बजट 40-45,000 के आसपास है, देन ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट कोशिश करो कि इस प्राइस रेंज में आप लोग यूज ग्राफिक कार्ड परचेज कर लो। आपको इस प्राइस रेंज में काफी अच्छे अच्छे यूज ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं जो भी काफी अच्छी सेटिंग में गेमिंग कराने के लिए भी कैपेबल होते हैं, तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहेगा, एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहेगा। अब मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग बोलोगे भाई GTX 1650 2023 में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है गेमिंग कराने के लिए। डेफिनेटली ऐसा आप बोल सकते हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके जैसा मॉडर्न गेम्स खेलना चाहे। काफी सारे लोगों का ड्रीम रहता है कि GTA 5 जैसे गेम्स वो खेल पाए, देन डेफिनेटली GTX 1650 आपके सपनों को पूरा कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग GTX 1650 में GTA 5 जैसे गेम्स बहुत अच्छी सेटिंग में खेल सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी बहुत अच्छा हाई एंड ग्राफिक कार्ड नहीं है, मेरे पास भी GTX 1660 सुपर है एंड उसमें मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं एंड अभी भी मैं उसी को यूज करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इन ग्राफिक्स कार्ड में गेमिंग नहीं कर पाओगे। काफी सारे लोग आपको कंफ्यूज करते हैं कि भाई इसको खरीदना नहीं चाहिए। देखो, ऐसा है कि 2023 में इस बजट में कोई भी ग्राफिक कार्ड लॉन्च नहीं हुआ है। बाकी अगर आप लोग यूज ग्राफिक कार्ड परचेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको RX 6600, RTX 2060 सुपर, 3060, इस तरीके से बहुत सारे ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे जो कि अंडर 15,000 रुपीज में आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं 15,000 से लेके 20,000 के बजट में आने वाले बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला ग्राफिक कार्ड जो आता है दैट इज GTX 1660 सुपर। सो गाइस, ये बहुत बढ़िया ग्राफिक कार्ड है एंड मैं अपने सिस्टम में इसी ग्राफिक कार्ड को यूज कर रहा हूँ, काफी टाइम पहले से यूज कर रहा हूँ एंड अभी भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। मैं भी गेम्स खेलता हूँ एंड इसी में खेलता हूँ एंड वीडियो एडिटिंग भी इसी ग्राफिक कार्ड से करता हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि GTX 1660 सुपर या फिर GTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड अभी उतने कैपेबल नहीं है, तो देखो यार, आपके लिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि RTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं। हो सकता है उनके लिए GTX 1660 सुपर बहुत बेकार ग्राफिक
पीसी कार्ड हो, बट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि पहली बार पीसी बिल्ड कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं आपको ये तो कह सकता हूँ कि GTX 1660 सुपर अभी भी एक बहुत बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पे आपको 6GB का वीरम मिल जाता है 128 बिट का, बहुत अच्छा है 1080p गेमिंग के लिए, इवन 1080p या फिर 2K लेवल का वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। चाहो तो आप लोग GTX 1660 सुपर में स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, बट वो बात अलग है कि आपके पास अच्छा सा प्रोसेसर होना चाहिए। बट ये ग्राफिक कार्ड भी मैं नया परचेज करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ अभी के टाइम पे, क्योंकि इसका जो प्राइस रहता है 17,000 to 18,000 और इस प्राइस रेंज में यार वर्थ इट नहीं है अभी के टाइम पे इसे परचेज करना। अगर आपको यूज मार्केट में 9,000 to 8,000 में मिल जाता है तो आप लोग डेफिनेटली परचेज कर लो। ये ग्राफिक कार्ड मैंने यूज मार्केट में परचेज किया था, ये मेरे को 8,000 rupees में मिल गया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपको इतने कम प्राइस रेंज में ग्राफिक कार्ड कैसे मिल जाते हैं, आप झूठ बोलते हो। तो देखो यार, आपसे झूठ बोल के मुझे क्या ही मिलेगा। अब देखो ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। देखो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको GTX 1660 सुपर आराम से मिल जाएगा, 8,000 से लेके 9,000 rupees में आप लोग इजीली ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड दैट इज AMD Radeon RX 6600। देखो ये ग्राफिक कार्ड भी बहुत टाइम पहले रिलीज हुआ था, बहुत टाइम तो नहीं बोलेंगे, 2021 या फिर 20 में शायद रिलीज हुआ था, 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसी के आसपास रिलीज हुआ था। यहाँ पे आपको 8GB का वीरम मिल जाता है। ये ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया है अगर आप लोग 1080p हाई सेटिंग में गेमिंग करना चाहते हो, बाकी GT5 जैसे गेम को तो ये 4K में भी चला सकता है। तो ये ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया है 1080p हाई सेटिंग के लिए। एंड यहाँ पे देखो आप लोग वीडियो एडिटिंग का भी काम कर सकते हो। अगर आप लोग मेनली गेमिंग करने के लिए कोई भी ग्राफिक कार्ड देख रहे हो जो कि 20,000 के आसपास मिलता हो, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, डेफिनेटली गो फॉर इट। इसका जो प्राइस रहता है दैट इज 19,000 to 20,000 एंड इस प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर हंग्री भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको 550 वाट का पावर सप्लाई चाहिए। तो अगर आपको बजट 20,000 के आसपास है देन डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है ये ग्राफिक कार्ड, आप लोग डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। नाउ गाइस बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर ग्राफिक कार्ड है, दैट इज NVIDIA RTX 3060। देखो ये ग्राफिक कार्ड एक्सट्रीमली पॉपुलर ग्राफिक कार्ड है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। एक टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर ये हो गया था, इनफैक्ट अभी भी है, क्योंकि इसके बजट में इससे बेटर ग्राफिक कार्ड अभी भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको 12GB का वीरम मिल जाता है 128 बिट का। देखो ये ग्राफिक कार्ड 1080p गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, अल्ट्रा पॉसिबल हाई सेटिंग में आप लोग 1080p में गेमिंग कर सकते हो। एंड ये फ्यूचर प्रूफ भी है क्योंकि यहाँ पे 12GB का आपको वीरम मिल जाता है, क्योंकि फ्यूचर में जो गेम आ रहे हैं वो वीरम डिमांड करते हैं, बट यहाँ पे आपको वीरम सफिशिएंट मिल जाता है, मॉडर्न गेम को भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। एंड अगर आपका मेन काम वीडियो एडिटिंग का है, वीडियो प्रोडक्शन का है, या फिर वीडियो रेंडरिंग का है, 3D मॉडलिंग का है, देन दिस इज द बेस्ट ग्राफिक कार्ड अंडर 25,000। देखो ये आपको 23,000 से लेकर 25,000 के बीच में मिल जाता है। एंड इस प्राइस रेंज में इससे बेटर ग्राफिक कार्ड आपने नहीं मिलेगा। एंड देखो ये काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी होने वाला है, क्योंकि इसका भी प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू हो चुका है, क्योंकि RTX 4060 आ चुका है, दैट्स व्हाई NVIDIA ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो देखो अगर आपको 23,000 से लेके 24 या फिर 25,000 में ये मिल जाता है, देन डेफिनेटली आपको परचेज कर लेना है। अगर आपको बजट 65,000 से लेके 70,000 के आसपास है, अगर आप इस बजट में पीसी बिल्ड करना चाहते हो, देन दिस इज द बेस्ट ग्राफिक कार्ड। यहाँ पे आप लोग 4K में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो विदाउट प्रॉक्सी फाइल बनाए, चाहे आप लोग DaVinci Resolve यूज करो या फिर Adobe Premiere Pro। एंड इसी के साथ साथ आप लोग स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो इनकोडर बहुत ही फैंटास्टिक दिया होता है। यहाँ पे आपको 3584 CUDA कोर्स मिल जाते हैं, जो कि वीडियो एडिटिंग एंड रेंडरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ओवरऑल ये ऑलराउंडर ग्राफिक कार्ड है, डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट ग्राफिक कार्ड बट नॉट लीस्ट, दैट इज AMD Radeon RX 7600। देखो ये AMD की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किया हुआ बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। देखो इस ग्राफिक कार्ड को AMD ने रिसेंटली लॉन्च किया है, इनका 7000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड है, बहुत बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पे आपको 8GB का वीरम मिल जाता है 128 बिट का। देखो अगर आप लोग गेमिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, आपको परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन लेवल का चाहिए, चाहे आप लोग 1080p अल्ट्रा हाई सेटिंग में गेमिंग करना चाहते हो या फिर 1440p, देन दिस इज द बेस्ट ग्राफिक कार्ड, डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है, डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो। इसका जो प्राइस रहता है दैट इज अराउंड 26,000 to 27,000, बट Amazon पर डील चलता है तो उस टाइम पे आप लोग इसे 25,000 rupees में भी ग्रैब कर सकते हो। इसमें आप लोग गेमिंग भी कर सकते हो एंड इवन वीडियो एडिटिंग का भी काम कर सकते हो, बट आपको मेनली वीडियो एडिटिंग के लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए तो आपके लिए RTX 3060 ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आपको मेनली गेमिंग करने के लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए, देन RX 7600 इज बेटर देन RTX 3060। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफिक कार्ड हैं, बट वो वर्थ इट नहीं है अभी के टाइम पे, इसलिए मैंने उनको इसमें कवर नहीं किया है। एंड इसी के साथ साथ RTX 4060 भी आता है, लेकिन वो यहाँ पे 28,000 से लेके 29,000 के आसपास आता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको कवर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 10,000 से लेके 25,000 के बीच में आने वाले ग्राफिक कार्ड की। तो आप लोग इनमें से किसी भी ग्राफिक कार्ड को परचेज कर सकते हो। हालांकि देखो अवॉइड करना 10,000 से 15,000 में कोई नया ग्राफिक कार्ड परचेज करने की, क्योंकि वहाँ पे आपको वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे अभी के टाइम पे। ऐसा इसलिए है
क्योंकि इस टाइम पे उतने कम प्राइस में कोई भी ग्राफिक कार्ड लॉन्च नहीं होता है, ना ही एएमडी कोई भी ग्राफिक कार्ड लॉन्च करता है, ना ही एनवीडिया। एंड ऐसा मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी 20,000 से नीचे ग्राफिक कार्ड लॉन्च नहीं होने वाले हैं। तो आपको यही आपको ध्यान में रखना है कि अभी के टाइम पे मिड रेंज का जो यहाँ पे टाइटल है वो चेंज हो चुका है। पहले के टाइम पे क्या था कि 10,000 से 15,000 रुपए में काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल जाते थे, बट अभी के टाइम पे ग्राफिक कार्ड की शुरुआत ही 20,000 से होती है, जो कि उतना अच्छा चीज नहीं है मिडिल क्लास लोगों के लिए, क्योंकि यार उनके लिए देखो ग्राफिक कार्ड परचेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे वो टाइम आ चुका है जब 20,000 से ग्राफिक कार्ड स्टार्ट होते हैं, और 20,000 को आप लोग मिड रेंज बोल सकते हो। सो गाइस, दीज आर ऑल दी बेस्ट ग्राफिक कार्ड जो कि आप लोग अपने बजट के हिसाब से परचेज कर सकते हो। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हाँ यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।